सचिन पायलट ने दिया हाईकमान से जुड़े नेताओं को जवाब। कांग्रेस आला कमान के इशारे बढ़ा रहे पायलट की परेशानियां। पायलट के बगावती सुर को देखकर क्या रहेगा आला कमान का फैसला। चुनावी साल में राजस्थान कांग्रेस में जंग थमने का नाम नहीं ले रही। सचिन पायलट बीजेपी की राज्य सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं। पार्टी सूत्रों की माने तो पायलट हाईकमान से जुड़े नेताओं के सामने बीजेपी की राज्य में हुए करप्शन पर कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर फिर सवाल खड़े किए। यही नहीं, पायलट ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड बदलने से भी साफ मना कर दिया। सचिन पायलट ने हाईकमान से जुड़े नेताओं के सामने ये साफ कह दिया कि बीजेपी की राज्य सरकार के करप्शन पर एक्शन की मांग को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर वोट लेकर ही जब सत्ता में आए तो जनता को ये दिखना चाहिए कि हम कार्रवाई करते हैं। पायलट ने आगे भी कार्रवाई का मुद्दा लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुँचने तक इसे उठाने की बात कहकर आगे के सियासी संकेत दिए। सचिन पायलट ने पिछले दिनों हुई सभा में बीजेपी राज्य के करप्शन का मुद्दा उठाते हुए कहा था, हमने वसुंधरा राज्य सरकार पर करप्शन के आरोप लगाकर वोट लिए, उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमने चुनाव में जो वादा किया उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे पर अनशन किया लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पायलट ने जिस तरह के तेवर सभा में दिखाए वही तेवर हाईकमान से जुड़े नेताओं के सामने दिखाए। पायलट की प्रदेश के कई इलाकों में सभाओं की तैयारी चल रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर कैसे दिखा रहे हैं, क्योंकि अब सचिन पायलट को कहीं न कहीं पता चल चुका है कि सीएम पद का उम्मीदवार आलाकमान उन्हें नहीं अशोक गहलोत को बना सकता है। और पायलट काफी लंबे समय से राजस्थान की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब पायलट के बगावती सुर को देखते हुए ये संभव नहीं है कि पायलट को राजस्थान में सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा।